गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूँ द किंग प्लेस वांसदा। वहाँ पे जितने भी घूमने लायक जगह है मैं सभी जगह पे आपको लेकर जाऊँगा और सब कुछ बढ़िया से दिखाऊँगा। और लास्ट में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ द डांगी रेस्टोरेंट। यस गाइस, द डांगी रेस्टोरेंट वहाँ पे गाँव की तरह पूरे देसी स्टाइल में खाना बनाया जाता है। तो मैं अभी फटाफट रेडी हो जाता हूँ, थोड़ा काम है वो ख़त्म करता हूँ और उसके बाद मैं आपको लेकर जाता हूँ द किंग प्लेस वांसदा। हे गाइस, तो मैं अभी रेडी हो गया हूँ, मेरा सारा काम था वो ख़त्म हो गया। तो चलो अब मैं आपको वांसदा की सैर करवाता हूँ और दिखाता हूँ बढ़िया से। तो गाइस ये है वांसदा का मेन सर्कल। गाइस, तो मैं भी यहाँ पे मेन सर्कल पे खड़ा हूँ और सबसे पहले आपको मैं लेकर चलता हूँ राजमहल। वहाँ पे अंदर जाने की परमिशन तो नहीं होगी लेकिन मैं अभी बाहर से दिखाने की ट्राई करूँगा जितना होगा उतना। तो चलो पहले अंदर चलते हैं। हे गाइस, तो मैं भी यहाँ पे पहुँच गया हूँ। ये गेट तो बंद है लेकिन मैं आपको दूर से दिखाने के ट्राई करता हूँ जितना हो सके उतना। तो गाइस ये राजमहल है यहाँ का। यहाँ के जो अभी प्रेजेंट राजा है उसका नाम जय वीरेंद्र सिंह और दिग्विजेंद्र सिंह है। अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं है इसलिए अभी मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ पूरा। तो गाइस, राजमहल के पीछे एक और छोटा महल है यहाँ पे, ये देखो गाइस। तो चलो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं, और भी जगह है वहाँ पे आपको घुमाना है। तो चलो गाइस। तो ये है वांसदा का बस स्टैंड। तो गाइस ये है प्रताप हाई स्कूल। यहाँ के जो राजा थे उसके नाम पे स्कूल का नाम रखा गया है। तो गाइस चलो मैं नजदीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस प्रताप हाई स्कूल अभी भी कितनी बढ़िया कंडीशन में रखा गया है इसको। तो चलो गाइस मैं अभी आपको दूसरी जगह पे लेकर चलता हूँ। तो गाइस ये है वांसदा की पुरानी कोर्ट। जो अभी प्रेजेंट में कोर्ट है वो उसके पीछे बनाई गई है नई वाली। तो गाइस ये है वांसदा सिटी का मेन टावर जो राजा द्वारा बनाया गया था यहाँ पे। तो ये कैसा लगा आपको कमेंट में बताना प्लीज। तो गाइस ये रास्ता सब्जी मार्केट से होकर दंडकवन आश्रम की तरफ जाता है। तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पे। तो गाइस मैं अब दंडकवन आश्रम पहुँचने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे बाइक का नंबर, अपना नाम और गांव का नाम लिख देता हूँ फटाफट। तो चलो अब अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ बढ़िया से। तो गाइस ये देखो इसका व्यू कितना बढ़िया रहा है। पीछे पहाड़ है, देखो ये गाइस कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पे। हे गाइस, तो मैं भी यहाँ पे पहुँच गया हूँ। गाइस यहाँ पे फोटो वीडियो शूट करने की मना है लेकिन मैं भी अभी भी जितना हो सके उतना बाहर से ट्राई करूँगा आपको दिखाने की। तो गाइस यहाँ पे परमिशन ले लिया मैंने फ़ोन यूज़ करने के लिए। तो चलो आपको दिखाता हूँ। तो चलो अब अंदर चलते हैं यहाँ से। तो गाइस ये है दंडकवन आश्रम। ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो चलो आपको थोड़ा नजदीक से दिखाता हूँ।
ये देखो गाइस, तो यहाँ पर बैठने के लिए गार्डन भी बनाया गया है। ये देखो गाइस, यहाँ शाम के टाइम फव्वारे भी चालू किए जाते हैं। ये पीपल का पेड़ है। हे गाइस, तो चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ डांगी रेस्टोरेंट और दिखाता हूँ बढ़िया से वहाँ पे। तो ये है डांगी रेस्टोरेंट। यहाँ पे सब कुछ लकड़ी और घास का बनाया गया है। ये देखो गाइस कैसा लग रहा है। यह है एंट्रेंस गेट। ये देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। तो ये है पुराना सामान जो पहले गांव में लोग यूज करते थे। ये देखो गाइस, हमारे दादा परदादा जो सामान यूज़ करते थे। ये देखो गाइस, ये सारे गांव में यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपको सारी नेचुरल चीज़ें मिल जाएंगी। गाइस ये है वाली पेंटिंग। ये देखो गाइस कितनी बढ़िया लग रही है। तो चलो गाइस मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ सब कुछ। तो ये है घास और लकड़ी की बनाई हुई झोपड़ी। ये देखो गाइस यहाँ पे पूरे नेचुरल तरीके से खाना बनाया जाता है। तो गाइस यहाँ पे जितना भी खाना बनाया जाता है वो लकड़ी पे पकाया जाता है। ये देखो गाइस ये यहाँ की जगह है। हे गाइस, तो कैसा लगा आपको? आप जब भी वास्ता या सापुतारा घूमने के लिए आए तो यहाँ पे विजिट करना मत भूलना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैठने के लिए जगह है। ये देखो गाइस। ये देखो, अब मेरी डिश रेडी हो रही है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे 3 तरीके की सब्जी मिल जाएगी और 2 तरीके की रोटी मिल जाएगी, डांगर की रोटी और नागली की रोटी। इसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये देखो गाइस, मेरी डिश रेडी हो गई है। छाछ तो मैंने पहले ही पी ली थी। ये पूरा खाना लकड़ी पे पकाया गया है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। हे गाइस, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हे गाइस, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो गाइस ऐसे ही मेरे नए नए वीडियो आते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।